साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विलेज इंडिया, किसानों का सच्चा साथी, जमीनी हकीकत। साथियों आज हम दाऊ बाबा की नगरी बलदेव में स्थित हैं और साथियों हम राया रोड से जो बम्मा के लिए रास्ता जाता है उस पे हैं। कल हम यहाँ से गुजर रहे थे तो साथियों लगभग 40-50 बीघा का ये पूरा चक है, ये पूरा चक 40-50 बीघा का है, जिस चक में कल गोभी थी, बड़ी हरियाली थी, यहाँ पे बड़ी हरियाली महसूस हो रही थी, लेकिन जब हम आज रिटर्न आए हैं मथुरा से, हमने देखा है तो आज ये पूरा खेत जो है जुता हुआ पड़ा है और इसमें जो है ये हालत हो रही है, बंजर हो गया ये। तो हमने सोचा कि ये किसान का दर्द कैसे इसमें परेशानी हो गई, जो खेत कल हरियाली लहरा रही थी और आज उस खेत में जुता हुआ पड़ा है, जो किसान की फसल थी उसमें क्या परेशानी हो गई। तो हम, हमारे साथ वो किसान भी मौजूद हैं, हम उन किसानों से बातचीत करते हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? हम विजेंदर। विजेंदर, विजेंदर बाबू जी, ये बताइए कि इस खेत की जुताई कब की है आपने? यहाँ की जुताई आज करी है बाबू जी। अच्छा, इसमें क्या था, क्या फसल थी इसमें? जामे गोभी। गोभी थी? गोभी थी। कै बीघा गोभी थी इसमें? गोभी बाबू जी जी 40 बीघा। 40 बीघा। 40 बीघा। तो इसमें कल तो गोभी खड़ी हुई थी और आज देख रहे हैं तो इसमें पूरा खेत जुता हुआ है। बाबू जी रोग आगे जामे कोई देख रहे आयो ना ही, जाके मारे हार के जुतवा में नहीं पड़ी है, क्या करें फिर। तो आपको तो बहुत लॉस गया है इसमें, मन्नो पड़े वो जाके पीछे। अच्छा, हाँ, कोई देखने नहीं आया, कोई कीटनाशक वगैरह दवाई देने के लिए कोई सरकारी विभाग से आदमी नहीं आया? कोई नहीं आया बाबू जी, कोई नहीं आया। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब बाबू जी जो कोई कछु रक्षा कर दे तुम, दवाई प्राण बचे या नहीं बचे नहीं। देखिए साथियों ये है किसान का दर्द, ये देखो गोभी, ये अभी की जुती हुई गोभी है और ये पूरे खेत में मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए कितना बड़ा खेत है यहाँ से और वहां तक, और भी पीछे होकर के दिखाएं, 40 बीघा गोभी जो है बर्बाद हो गई है, जो खड़ी किसान की फसल, जिस फसल पे किसान हंसता है, जिस किसान से फसल को अपने घर परिवार, अपने बच्चे, पढ़ाई लिखाई सभी की बड़ी ही उसको एक गर्व महसूस होता है, उस किसान की लहर आती फसल। साथियों ये फसल किसान की जुत चुकी है बलदेव में, जो 40 बीघा गोभी थी। साथियों किसान का दर्द आपने जाना और मुझे लगा कि एक मेरे न्यूज विलेज इंडिया, किसानों के सच्चे साथी, जमीनी हकीकत चैनल से ये आपको रूबरू कराना चाहिए। बलदेव में कोई इकाई रक्षा केंद्र नहीं है, इकाई रक्षा केंद्र होना चाहिए, जिससे सर्वे होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई। इसी के साथ मैं देवेश कुमार NVI न्यूज से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।